सब्लाइम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आईसीटी और आईसीटी में हम देखेंगे बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन में आपको बता चुका हूं कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आजकल जो लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, तो सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी बाइनरी या डेसिमल के बीच में दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का स्तर है थोड़ा सा चेंज है। तो अगर 38.625 लिखा हुआ है, ये नंबर है, ओके। तो आपके सामने जो ये पॉइंट की दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 38 और 625, तो इसको दो भागों में हम बांट लेंगे। 38 को अलग बांट लेंगे और 625 को अलग बांटेंगे, क्योंकि जो 38 होता है इसका एरो इस साइड में चलता है और 625 जो कि पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है उसका एरो राइट हैंड पे चलता है। तो जो 38 है इसको तो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकालते हैं जैसे हमेशा निकालते थे। और आपको बता दूँ ये तो एक जो हम अभी लगा रहे हैं इस तरीके से, तो लंबा प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि 38 का अगर शॉर्टकट निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक बेसिक जो मेथड है वो ले लेते हैं। तो दो दो कम दो, दो नौ 18, जीरो आ जाता है यहाँ पे, और फिर आएगा दो नौ 18, वन दो चक्कू 8, वन दो दूनी 4, जीरो दो कम दो, जीरो, और फिर दो की एक से करते हैं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पर एक हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 100110, ओके। तो ये किसका हो गया, 38 का, ओके। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इसको शॉर्टकट में लगाएं तो कैसे लगाएंगे। देखिए इसको अगर हम 38 को एक जो ऊपर आपकी जो लिस्ट है ना, हमेशा के लिए याद रखिएगा इसको, तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लगाना चाहते हैं, लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, ये देखें कि जो 38 है, जो 38 संख्या है ये किसके आसपास है, तो किसके आसपास है, 32 के आसपास है। इतना थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 32 के ऊपर निकल रही है और 64 से कम है। अगर वो 64 के भी ऊपर होती तो हम 64 से देखते, अगर वो सिर्फ 32 के से ही बड़ी है तो हम सिर्फ 32 की ही देखेंगे। अगर पूरा पूरा वो संख्या लिखी है तब तो हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 1 लगा देंगे बाकी सब 0 कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आप, आपको हो सकता अच्छा लगे ये पॉइंट, कि जो 32 है तो 32 से बड़ी है, 64 से छोटी है, तो हम 32 को अपने में ऐड कर लेते हैं और 38 से 32 घटा देते हैं अपने मन में। तो कितना बचा 6 बचा है। तो अगर हम 16 देखेंगे तो ज्यादा है, तो इसको हम 0 कर देते हैं। तो अभी तो हमें 6 की जरूरत है, तो मतलब 8 भी उससे बड़ा है तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ 4 तो 6 से कम ही होता है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन क्या 6 हमारा खत्म हो गया, नहीं, अभी तो हम सिर्फ 4 ऐड कर पाए, तो मतलब अभी 2 बचा हुआ है। तो अभी अब 2 की जरूरत है, 2 भी है हमारे पास, तो इसके ऊपर भी 1 लिख देते हैं। अब हमारे पूरे हो गए तो हम इसके ऊपर 0 कर देते हैं। तो अब आप देख लीजिए किस किस के ऊपर 1 लिखा हुआ है, उसके उसको हम ऐड कर देंगे, हमारा 38 आ जाएगा, ठीक। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे की क्या बात है कि हम अब जो पॉइंट के बाद वाली चीज थी उसको देखते हैं। तो 625 यहां पर करना क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम बैरिगेटिंग लगा देते हैं यहां पर ताकि अलग हो जाइए। तो हमें इसको 2 से गुणा करनी है, ठीक, 2 से क्या करनी है, गुणा किसकी, 0.625 की। तो 0.625 की जो हम गुणा करेंगे तो आएगा क्या, क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 एक 5 और 2 छंग 12 और यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जब ये पॉइंट लगेगा तो जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी संख्या होगी उसको उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी सहूलियत के लिए ताकि हमें याद रहे। तो 1 ये हो गया। अब जो पॉइंट के बाद वाली संख्या है हम उसको फिर से गुणा करते हैं, 0.250 गुणे 2, ठीक। जब हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
0.500, तो मतलब यहाँ पे क्या आया, जीरो आया, तो इसको भी हम उठा के जीरो लिख लेते हैं। अब हम पॉइंट के बाद वाली संख्या फिर से उठाते हैं, 0.50 × 2, और यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि कितना गुणा हो जाएगा, 1.000, और यहाँ पे पॉइंट के इधर वाली संख्या लिख देंगे तो हो जाएगा 101, ठीक। और जब यहाँ सब 0-0 हो जाता है तो हमारी कहानी बंद हो जाती है यहीं पे, हमें यहीं पे रोक देना है। कहीं कहीं पर होता क्या है कि 0-0 आता ही नहीं है और आगे की तरफ वो बढ़ता रहता है, तो उसके बारे में भी हम एक अलग एग्जाम्पल लेंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हमें यहाँ पे फिलहाल ये देखना है कि हम अब इनका क्या करें, तो हमें ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाना है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं पे, तो क्या हो जाएगा, 101। फिलहाल ये कॉमन है तो हमें पता नहीं चल रहा है, इधर से उधर कर दो चाहे इधर से उधर कर दो, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाना है। तो यहाँ पर आपके पास जो 0.625 का आंसर आया वो आया 101, ठीक। अब 38.625 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका टोटल कर लीजिए, जो 38 का था 100.101, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन हल हो गया और ये आपका बाइनरी नंबर आ गया। अब एक दूसरा सवाल भी ऐसे ही मिलता जुलता देख लेते हैं जिसमें 00 ना आता हो, मतलब यहाँ तो हमने खत्म कर ली सीरीज, तो सही है, लेकिन अगर सीरीज खत्म ही ना हो तब क्या करेंगे। तो एक दूसरा सवाल है 3.20, ये आपका एक डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है, तो इस डेसिमल नंबर को क्या करेंगे, हमें बदलना है। तो इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा, दोनों का अलग अलग जोड़ा बन जाएगा। 30 को हम कैसे निकालेंगे, मैं शॉर्टकट वही इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो 30 किससे बड़ा है, 16 से बड़ा है और 32 से छोटा है, तो 32 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, हम 16 से काउंट करेंगे। तो 16 से काउंट करेंगे तो 16 के ऊपर एक, फिर 16 30 में से 16 गए 14, यानी कि हम इसको भी काउंट कर लें, 8 तो 8 3 24, यानी कि 24 संख्या हो गई। अभी हमें 6 24, हाँ अभी हमें 6 और चाहिए, तो मतलब 4 के ऊपर भी एक, तो ये भी 4 पूरा हो गया, मतलब अभी अभी 2 और चाहिए, तो मतलब यहाँ पे भी एक, हमारे पूरे हो गए 16 8 4 2 की जो संख्या है ये टोटल होके कितनी हो जाती है 30, तो हमें इसके ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऊपर वाली जो नंबर्स देख रहे हैं इसको आप बाइनरी ले लीजिए, तो 30 की जो बाइनरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11110, ओके, समझ में आया, शॉर्टकट है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा जो हम आप जिसके लिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है 0.20। तो 0.20 का क्या मतलब, इसको हमें आगे हल करना है। 0.20 को जब हम हल करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 0.40। तो वहाँ आगे वाला जो 0 है तो उसको हम 0 नोट कर लेते हैं। फिर हम 0.40 से फिर से गुणा करते हैं, 0.40 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.80, यहाँ पे फिर से 0 है तो फिर से 0 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1.60, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर हम फिर से 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। फिर से 0.20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.40, इसको हम 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखिए कि अब हमें यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक देनी है, क्यों, क्योंकि ये 40 और ये 40 कॉमन हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हमारी जो सीरीज चल रही है लास्ट में 0-0 ही हो जाए, तो 0-0 नहीं हो रही है, तो अगर कॉमन हो रही है तो हमें उस कॉमन पॉइंट पे अपनी गाड़ी रोक देनी है, समझ गए। यहाँ पे हम इसको ऊपर से नीचे की ओर एरो लगा देंगे, और ऊपर से नीचे जब एरो लगाएंगे तो 00110 ये आएगा, ठीक। तो इसको हम अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लास्ट वाले जीरो का कोई खास महत्व तो नहीं है, लेकिन फिलहाल लिखा रहने दीजिए, और आपका जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम अब हम लिखें कि 30.20 की एग्जैक्ट बाइनरी क्या बनी जाके, कि 11110.20,
0011, नाश वाले जीरो को छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता दूं, अगर मान लीजिए आप इसको रिवर्स में ले जाते हैं, मतलब आपका आंसर तो आ गया लेकिन अब आप चाहते हो कि हम इसकी चेकिंग कर लें कि हमारा सही आया, वैसे चेकिंग करने में बड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन सही है, लेकिन हम जो आपको उल्टा करके बताएंगे अभी, मैंने सोचा है कि मैं यही वाले एग्जाम्पल आपको बताऊँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अगर चेंज करेंगे तो आखिर आंसर क्या आएगा। तो उल्टा जाने पर यानी कि बाइनरी से डेसिमल पे की तरफ जब हम जाएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो भी सीरीज है 00 पे खत्म हो जाती है तब तो आपका उल्टा जो है आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा, लेकिन अगर वो रिपीट हो रही है तो आपका आंसर एग्जैक्टली वो ना आके थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो जब मैं वापस गया तो मेरा आंसर वो क्यों नहीं आया, ठीक। तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक जो एग्जाम्पल है वो लाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं कि क्या हुआ जब हमने इसको रिवर्स में लिया। रिवर्स का मतलब अब हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ चलेंगे। तो जो पहला हमारा था वो क्या था, उसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। पहला जो पॉइंट था वो था 1001100.101, ये हमारा बाइनरी आया था, ठीक है। और मैं आपको आंसर जब निकल के आएगा तब बताऊंगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे रख दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इस पे रख दीजिए 0110001। अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा कि 32 को जोड़ दीजिए 4 से 2 को कितना आ जाएगा 38, ठीक। कहानी तो इधर है, पॉइंट के बाद में वह 101 को जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हल करना पड़ता है हमको। 101 के नीचे हम जो है हमेशा जो पहला वाला एक है इसके नीचे लिख देते हैं 1/2, जो दूसरा वाली संख्या होगी उसके नीचे लिखते हैं 1/4, तो तीसरी संख्या होगी उसके नीचे लगते हैं 1/8। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो पहली संख्या है उसको 1/2 मान लेते हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको कि दूसरी संख्या के साथ क्या करते हैं, तीसरी संख्या के साथ क्या करते हैं। तो जो पहली संख्या है उसको 1/2 कर रहे हैं, दूसरी को 1/4 कर रहे हैं और तीसरी को 1/8 कर रहे हैं। तो जीरो वाले को तो काट ही दो, वो तो गुणा ही खराबी हो गई हमारी। तो अब क्या बचा, 1/2 बचा और आपका प्लस 1/8 बचा। तो या तो आप 1/2 को अलग से हल कर लो और 1/8 को अलग कर लो अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो, लेकिन मुझे आता है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 8 यहां लिख देता हूं और 2 × 8 तो यहां पे 4 आ जाएगा और 8 × 8 तो मतलब आंसर आया 5/8। अब आप यहां पे एक दशमलव लगाइए और इसके आगे जीरो बढ़ा लीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 आया। तो हमारे पास बचा 2, उसके आगे फिर से जीरो लग जाएगा तो हम अब कितनी बार काट सकते हैं 20 से, तो 8 × 2 = 16 फिर बटा 4, तो फिर हम जीरो लगा लेते हैं क्योंकि पॉइंट तो लगा ही हुआ है। तो 8 × 5 = 40, ये हमारा पॉइंट के बाद वाली संख्या आ गई, ठीक है। तो 38.625 यही संख्या थी ना जब आप पहले नंबर पे निकाले थे, सेम डिट्टो वही आंसर आ गया जो आपने पहले नंबर पे चेंज किया था, ठीक। तो ये आपकी चेकिंग भी हो गई और आपने सीख भी लिया कि हम कैसे निकालेंगे बाइनरी से डेसिमल। चलिए अब सेकेंड नंबर का एग्जांपल ले देते हैं कि क्या था हमारा सेकेंड नंबर वाला। तो वो था 1111.0011, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं पहले नंबर वाले को जो इस साइड में है, तो 0111 जीरो वाले को काट दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना आएगा बताइए, 30 आ रहा है,
16 8 4 10 30 30 आएगा ना, तो जोड़ देंगे तब। इसके बाद वाले के साथ क्या कहानी करनी, जो हमने अभी इससे पहले की थी, वह जीरो लिख लो, जीरो लिख लो, जीरो लिख लो, सॉरी एक लिख लो, एक लिख लो। यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 1/8 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1/16 लिख देंगे। सॉरी बहुत गलती हो रही है, 1/16 हो जाएगा। जीरो वाले काट दीजिए, यहीं पे बचेगा आपके पास क्या, 1/8 प्लस 1/16। इसको हल करना है एलसीएम लेके, तो 8 2 16 प्लस 1, 3/16। पॉइंट लगा दीजिए, जीरो बढ़ा लीजिए, और दो बार तो जाएगा नहीं, तो 16 1 16 कितना बचा, 14 बचा। इसके आगे हम जीरो बढ़ा लेंगे, अब ये कितनी बार जाएगा, तो इसके बाद जो है जब 140 आएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 16 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 16 9 जाएगा नहीं, 16 9 144 होता है, 16 8 128 होता है, तो 16 8 128। ठीक, फिर से अगर हम और आगे जाना चाहते हैं तो हम और आगे जा सकते हैं, लेकिन मेरा मूड नहीं आगे जाने का, तो मैं पॉइंट के बाद 1 और 8 ही निकालूंगा, और इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा 30.18, 30.18 यानी कि 30.18 ये आंसर आ रहा है। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई जो मैंने सवाल लगाया था उसमें तो 20 लिखा हुआ था। तो बस यही एक थोड़ी सी आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने सवाल को लेके, कि अगर हमारा सवाल वही था जो हम हल कर रहे थे और अब रिवर्स कर रहे हैं तो आंसर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भी सीरीज थी वो रिपीट हो रही थी, पहले वाले में रिपीट हो रही थी। तो जब रिपीट हो रही थी तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से कभी कटेगा ही नहीं, वो बार बार रिपीट होती रहेगी। और जब हम इसको वापस करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंजिंग आपको पॉइंट के बाद में देखने को मिलेगी। पॉइंट के पहले अगर चेंजिंग मिल रही है तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो रही है, पॉइंट के बाद में एक दो पॉइंट का माइनर जो है चेंजिंग आपको दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमें आखिर कहाँ कहाँ पर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसा लगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।